महाराष्ट्र मुंबई मलाड मालोनी वेस्ट गेट नंबर 8 माला काला विद्यालय में मोहसिन शेख की सालगिरह तकरीब बड़े पैमाने पर मुनक्किद की गई। इस सालगिरह तकरीब में अबू भाई वालसांगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नॉर्थ मुंबई जिला एडवाइज़र नासिर कुरैशी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मलाड तालुका प्रेसिडेंट अयूब शेख MIM बिहार मुंबई सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर इमरान गफूर शेख मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मलाड तालुका जनरल सेक्रेटरी और तमाम दिगर दोस्त व अहबाब भी मौजूद थे। इस मौके पर तमाम हाजरीन ने इन्हें ढेर सारी मुबारकबादें पेश की और मोहसिन शेख के लिए नेक दुआओं का नजराना भी पेश किया और इस मौके पर केक कटिंग का भी अहतमाम किया गया। आइए देखते हैं इस सालगिरह तकरीब की चंचल क्या पेश है। महाराष्ट्र मुंबई से रिपोर्टर वलीउल्लाह खान की एशियन टीवी न्यूज़ के लिए यह खसूसी रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वलीउल्लाह खान, आप देख रहे हैं एशियन टीवी न्यूज़। एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हुए हैं मुंबई के मलाड मालोनी वेस्ट गेट नंबर 8 महाड़ा कला विद्यालय। आइए, यहाँ एक बर्थडे सेलिब्रेट पार्टी रखी गई है। आइए जानने की कोशिश करते हैं इनको कितनी खुशहाली हासिल हुई। स्वागत है सर एशियन टीवी न्यूज़ में आपका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहसिन कासम शेख जी। आज आपने एक पार्टी रखी है, बताइए ज़रा। आज बर्थडे पार्टी रखे थे, 34 ईयर्स का हो चुका हूँ मैं। सब मेरे दोस्त यार आए थे, मुझे बहुत खुशी हुई जो आए सब शामिल हुए और सबको मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। चलिए अच्छी बात है। अब हम आपको बात कराते हैं जो एक जाने माने अबू भाई वालसांगर, जो किसी के परिचय के मोहताज नहीं है। सर स्वागत है आपका एशियन टीवी न्यूज़ में। आज मैं कोई राजनीति की बात करने वाला नहीं हूँ, आज सिर्फ हमारे मोहसिन शेख साहब का बर्थडे था। दोस्त अहबाब लोग आए, मोहसिन शेख ने दावत दिया था सबको। मेरे ऑफिस में आकर हम लोगों ने सब मिलजुल कर हंसी खुशी से इनका बर्थडे सेलिब्रेट किया और हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला से कि मोहसिन शेख को ऐसी तरक्की अता फरमाए और हमेशा ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहे। तो आप जो यहाँ पार्टी रखे इसमें कुल कितने लोग आए थे सर, ज़रा बताइए। कम से कम 50 लोग होंगे जिसको चाहने वाले थे। काफ़ी लोग बारिश की वजह से नहीं आ पाए, किसी की मजबूरी होगी, वरना हमारी टीम बहुत बड़ी है और मजबूती से काम करती है मालूम नहीं। अच्छा, आप कौन सी पार्टी से हैं सर? मैं MIM पार्टी से हूँ और MIM पार्टी में मैं जिला एडवाइज़र हूँ। इस वक्त मैं इसीलिए तो राजनीति की बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन तमाम लोग जो भी थे सब तो इसकी बातें कभी करेंगे आप, किस टाइम आपके पास? इंशाल्लाह ताला मैं कल सुबह इस मामले में आने वाला हूँ। एक मैटर है हम लोगों के पास जो आजकल बच्चे उठाने का स्कूल के जो बवाल चल रहा है, इसके लिए हम कल सीनियर साहब के पास जाने वाले हैं और BMC स्कूलों में भी सुबह मैं विजिट करने वाला हूं हमारी पूरी टीम के साथ में। आइए अब हम इनके दोस्त अहबाब इमरान भाई साहब से बात कराते हैं आपकी। इमरान भाई साहब स्वागत है आपका एशियन टीवी न्यूज़ में। अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ पर ये हमारे बचपन के दोस्त हैं, मोहसिन भाई मेरा बचपन का दोस्त है, मेरा यार है। आज इसका जन्मदिन था और इसने हम सबको यहाँ पर हमारी टीम को हमारे दोस्त अहबाब को दावत दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुआ करूँगा मेरे दोस्त के लिए, अल्लाह इसको ताउम्र कामयाबी अता करे, बहुत बुलंदियों पर पहुँचे। अब इसी तरीके से इतने हाथ के साथ में हमारी जमात के लिए भी काम करें और आवाम के लिए भी काम करें और इंशाल्लाह करेंगे। चलिए तो लोगों ने इनकी जो है शुभकामनाएँ की है और आगे ज़िंदगी में तरक्की हासिल करें इसकी दुआ की है। बहुत बहुत शुक्रिया एशियन टीवी न्यूज़ से बात करने के लिए आप सभी का। कैमरामैन मनोज कुमार सोनी के साथ एशियन टीवी न्यूज़, जय हिंद जय महाराष्ट्र। शहर हैदराबाद के खल्ब में मौजूद CNME वुमेन्स जूती सेंटर ब्यूटी एंड एक्सेसरीज शोरूम, जहां पर तमाम दोशीजाओं और खवातीन की हुस्न को चार चांद लगाने वाले तमाम आरायशी प्रोडक्ट्स दस्तियाब रहेंगे। यहाँ पर खुसूसी प्योर लेदर से तैयार किए गए जयपुर के जोधपुरी ज्योतिष, कोल्हापुरी ज्योतिष सैंडल्स इंतहाई पुरकशिश व रंग बिरंगे कलर्स में दस्तियाब रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर तमाम उम्दा क्वालिटी के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, बैंगल्स, परांदे और बहुत कुछ इंतहाई वाजबी दामों में दस्तियाब रहेगा। हमारा पता है CNME वुमेन्स ज्योतिष सेंटर, बिलो टोली चौकी, फ्लाई ओवर ब्रिज, हैदराबाद।